नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों की सभी नदियों में उफान और कई तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के किनारे बने तटबंधों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने कई जिलों में तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में इन नदियों की जद में आने वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से सुरक्षा संबंधी सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस बीच राज्य की नदियों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की आशंका होने पर सरकार ने 15 जिलों में निचले इलाकों में रहने वाली आबादी को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट पर भी दी। गौरतलब है कि राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने NDRF और SDRF की टीमों को तैयार रहने को कहा है। दरअसल मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसा हुआ तो कम से कम 50 लाख की आबादी बाढ़ संकट में फंस सकती है।